आप आईफोन 12 प्रो मैक्स मांग रहे थे, हम आईफोन 14 प्रो मैक्स ले आए हैं आपके लिए। भाई जान ये गिफ्ट है, बड़ा जबरदस्त। पहले तो आप गेस मारेंगे ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने लगा है बहुत ही मजेदार। हम लोग राफे को दोबारा से प्रैंक करने लगे हैं और इस दफा का प्रैंक जो है ना वो बड़ा लीथल होने लगा है, क्योंकि इस प्रैंक में मैं हूँ, मुस्तफा मेरे साथ है और वासे भाई, वासे हमारे साथ है। अभी वासे आ रहा है। प्रैंक हम लोगों ने क्या करना है कि राफे मुझसे काफी दिनों से कह रहा था कि मेरा जो काफी महीनों से कह रहा था कि मैंने व्लॉग्स बनाने हैं, तो मेरा आईफोन एक्स जो है, एक्स है या एक्स एस है, एक्स एस, हाँ, मेरा जो आईफोन एक्स एस है इसको बेच देते हैं और इसी जगह आप मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स लेके दें ताकि मैं व्लॉग्स बना सकूँ। तो मैंने ये वाला फोन भी इसको इसीलिए लेके दिया था कि ये व्लॉग्स बनाए। तो इसने कुछ 30-31 व्लॉग्स बनाए। इसके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। क्या नाम है चैनल का? राफे व्लॉग्स, क्या था? RWM व्लॉग्स, नहीं व्लॉग्स बाय राफे, व्लॉग्स बाय राफे। देखें जी, मुझे पता ही नहीं अपने बेटे के चैनल का नाम, तो व्लॉग्स बाय राफे को जरूर विजिट करना है। अच्छा जी, तो हम अभी आपको बताते हैं कि हम प्रैंक क्या करने लगे हैं। यहाँ पे वासे भी आ गया है, हमें यहाँ पे पार्क में आना पड़ा है राफे से दूर। तो ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स का डब्बा। तो मेरा तो उसको क्या पता कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के तो इसी तरह की पैकिंग होती है, सही है ना? और इसके अंदर हमने क्या, कौन सा फोन रखा हुआ है? A70 जो है खराब। आपका पुराना फोन जिसे आपने व्लॉगिंग शुरू की थी। हाँ, इस फोन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, सैमसंग गैलेक्सी A70, और इसी फोन से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया था। मोनेटाइज तो अल्लाह ने किया, लेकिन मैंने मेहनत की थी इसी फोन से। ये फोन खराब पड़ा हुआ है, इसको हमने डाल दिया है आईफोन के डब्बे के अंदर और ये हम प्रैंक करने लगे हैं राफे के साथ। इसको हम अभी जा रहे हैं पैकिंग करवाने के लिए। पैकिंग करवा के उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और राफे साहब को सरप्राइज देंगे और उसको कहेंगे, भाई आप आईफोन 12 प्रो मैक्स मांग रहे थे, हम आईफोन 14 प्रो मैक्स ले आए हैं आपके लिए। ओ यार इधर आओ यार, किधर भाग गए हो यार? व्लॉग बनाते बनाते कहाँ भाग जाते हो तुम लोग यार? चलो लड़ना, वो लड़ना शुरू हो गए हैं, वो व्लॉग छोड़ के भाग गए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वाह वेरी गुड। ऐसे लगता है कि आप भी 2 साल के हो, आप भी 2-3 साल के हो, व्लॉग बन रहा है और व्लॉग बनते बनते भाग गया। क्यों भागे हो? इन्होंने मुझे इतनी जोर का मारे, उसके बाद यार तुम लोगों के साथ व्लॉग बनाना भी ना एक बड़ी जो है ना वो एक वो चीज, एक टास्क होता है मेरे लिए तुम लोगों के साथ व्लॉग बनाना। खैर टिकते ही नहीं हो एक जगह पे, मतलब व्लॉग के दरमियान में लड़ना शुरू कर देते हो। क्यों भाग रहे थे उसके आगे? मारा था यार। मारा तो पहले आपने उसको है? नहीं। मुस्तफा बस चले आए जल्दी से। यार वैसे वो ये पैकिंग देख के कितना खुश होगा। नहीं होगा, वो कहेगा अच्छा मेरा आईफोन एक्स भी नहीं बेचा और आईफोन 12 प्रो मैक्स भी ले आए हैं मेरे लिए, सॉरी 14 प्रो मैक्स भी ले आए हैं और मेरा फोन भी नहीं बेचा। हाँ जी, डबल सरप्राइज है उसके लिए। चाबी है ना आपके पास गाड़ी की? जी गाड़ी की चाबी मेरे पास है, जल्दी जल्दी चलते हैं, इसकी पैकिंग कराते हैं और प्रैंक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग शॉप के बाहर पहुंच चुके हैं और यहां से हम लोग इसको गिफ्ट रैप करवाएंगे। इधर से वासे साहब अंदर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम जाते हैं, इसको 2 मिनट के अंदर गिफ्ट रैप करवाते हैं और फिर घर चलते हैं राफे साहब को प्रैंक करने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं घर वापस, ठीक है जी, और हमने इस फोन की करवा ली है पैकिंग। ये देख सकते हैं आप, आहा कितनी प्यारी पैकिंग है इसकी। हाँ जी, बाबा ने खुद अपने हाथों से पैकिंग किया। जी नहीं, हमने मार्केट से कराई है पैकिंग, है ना मुस्तफा? जी झूठ बोल रहे हैं ना ये? हाँ झूठ नहीं बोलते। ये देखिए फोन ले लिया। नहीं ओए नहीं, ओ नहीं, इसमें यार वासे बिहेव योरसेल्फ। अच्छा वो किधर है, किधर है? वो है जी मेरे ख्याल से ऊपर होगा। ओके तो अब हम वेट कर रहे हैं राफे का, के वो जैसे ही नीचे आता है उसको हम ये गिफ्ट देंगे जिसमें होगा कचरा कचरा फोन फोन कोई नहीं है, ठीक है? इतना अच्छा फोन है, इसी से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। हाँ, और इसी से मेरी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और इसी फोन से मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी यूट्यूब, और इसी फोन से वासिफ भाई की पबजी स्टार्ट हुई थी। हाँ बच्चों, और इसी फोन को आप बुरा कह रहे हो? हाँ जी बुरी बात है बेटा, बुरा तो है। ये हमारा इतना अच्छा फोन है, इसको हम फ्रेम करवाएंगे। इस पे चलते ही नहीं है कुछ, चलते हैं खैर, लेकिन क्यों नहीं चलता, पुराना हो गया 5 साल। चलो ठहर जाओ, वो आ जाएगा, ठीक है, इसको छुपा दें, मेरी अलमारी में रख दो, इसमें डाल के ना, इसको इसमें डाल के मेरी अलमारी में रखो, क्यों? ठीक है
तो इससे पहले कि वो आ जाए। अलमारी में क्यों रखना है? हैं? अलमारी में क्यों रखना है? अलमारी में रखना है ना यार, वो नीचे आ गया सरप्राइज नहीं ज़्यादा है क्या? वो नीचे आएगा उसको सरप्राइज नहीं देगा? अलमारी में रखो ना, सरप्राइज करेंगे। अच्छा? ना जब वो आ जाएगा उसके बाद अलमारी में से निकालेंगे ना। हाँ। अबू जी चलो मैं बात ही नहीं कर रहा तुमसे, अबू जी का बच्चा। तो गाइस राफे बाहर आ चुका है, मुस्तफा भी चला गया बाहर, वासिफ भी बाहर जा रहा है। अलमारी में से फोन निकालूंगा और दूंगा राफे को। यार इन्होंने फोन कहाँ रख दिया? अच्छा ये पड़ा हुआ है। ये आ गया जी फोन, और ये अब मैं देने जा रहा हूँ राफे को, उसका देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। इतने पंखे शंखे चलाए हुए हैं भाई, क्या चक्कर है? हैं? पंखे शंखे क्या चक्कर है यार? किसका क्या चक्कर है? किसका पीछे कौन है? नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ है कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, खाना बन गया? आपने खाया वासे? आपने खाया मुस्तफा? आपने खाया? नहीं आगे पीछे है। नहीं मेरे पीछे कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ऐसे खाना खाना है। ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ भी नहीं यार। अच्छा मेरी बात सुनो, गर्म है खाना अभी? ये बताए ना क्या है पीछे, खाना गर्म है या ठंडा? क्या है काफी देर है, क्या लिखा है यार? बस एक चीज है, मैंने कहा मैं लेके आता हूँ, ठीक है? तो पीछे क्यों रखी है? ये आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। चॉकलेट बॉक्स है? चॉकलेट गिफ्ट लेके आया हूँ। चॉकलेट बॉक्स है, खोलो। हैं? नहीं सर ना, कोई आपके लिए भाईजान ये गिफ्ट है। हाँ। बड़ा जबरदस्त, पहले तो आप गेस मारेंगे ये है क्या? चॉकलेट बॉक्स लग रहा है। चॉकलेट बॉक्स लग रहा है? चॉकलेट बॉक्स है ना, ये देखें जी ये क्या करते हैं बच्चे हरकतें, ये देखें, ये देखें भाई आपके लिए गिफ्ट आया भाई। हाँ जी बच्चू, सर को पता चल गया है क्या है? नहीं पता चला, जर्मन नहीं पता चला। सर को जर्मन पता चला, बताए ना क्या है भाई? मैं क्यों बताऊं, खुद ही खोल के देख लो। खोल के देखो क्या है। ओ भाई साहब, ये क्या है? आपको तो चाहिए था 12 प्रो मैक्स, आपके लिए आ गया कौन सा? आप हर चीज उनको देते, नहीं देते भाई। क्या मतलब प्रोटीन है? पहले आपने उनको आईफोन एक्स दिया। हाँ थैंक यू सर। आपने उनको आईफोन 14 दिया सर। पहले अब आप मेरे ब्लॉग्स देखिएगा, सारे ऐसे आएंगे मेरे ब्लॉग्स, नहीं यार मैं वहाँ पे खोल के चेक किया था, यूज वूज कोई नहीं है, ब्रांड न्यू फोन है, यूज तो नहीं है। क्या हुआ? ये हुआ क्या? सैमसंग गैलेक्सी A17 क्या हुआ? ये भाई इस फोन की अभी कीमत नहीं जानते। ये क्या अंदर क्या डाल दिया इन्होंने? ये अभी फोन अंदर आईफोन में की, यार मैंने तो खुद आईफोन ही देखा था अंदर, देखा ये इसमें क्या डाल दिया इन्होंने? लेकिन अभी आपको इसकी कीमत नहीं पता, ये मोनेटाइज्ड चैनल का फोन है। क्या हुआ करने वाली हरकत है? क्या ऑन तो करो इसको बेटा, हमारे फोन ही ऑन नहीं होता, ये खराब है। ऑन तो करो भाई, वो ये खराब फोन है, मुझे पता है हमारे घर पड़ा है 10 साल से ऑन नहीं हो रहा है, ये डाल के दे दिया। तो ये मुस्तफा क्या कह रहा था? मैंने कभी कोई चीज नहीं लेके दी है, बुरी बात। सही है यार, फोन पसंद नहीं आया यार, ये खराब है फोन यार। चलते इतना अच्छा फोन तो है यार, दिखाओ यार। नहीं चलता, क्या हुआ? दुखी हो गए हो? ये देखें, दुखी हो गए हो? इनफिनिटी यू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, तुम्हारी जो औकात है वो इसकी भी नहीं है। ये जो तुम्हारे पास फोन है ना, इसकी भी तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है? इधर छोड़ो 14 प्रो मैक्स, मैं तुम्हें लेके देता हूँ। 14 प्रो मैक्स वाली, तूने कितने व्लॉग बनाए हैं इस फोन से? हैं 31 31, और उसके बाद तू स्टॉप। साल से व्लॉग नहीं लगाया बेटा, ये देख के अब तुझे मैंने नोकिया लेके देना है जो तू डिजर्व करता है।
बंद फोन से बेहतर क्या ये पुत्र इनफिनिटी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सुपर फास्ट चार्जर घंटे में चार्ज करता है। वाह देखो कैसे उसने रिव्यूज बताए मतलब इसकी क्वालिटीज बताई है फोन वाह कितना कैमरा की बात सही लाए होंगे मैंने कहा यार ये क्या यार क्या हुआ गया आपको करने वाली हरकतें क्या हुआ है आप तो इतने खुश थे अभी तो इसको देखो यार इसको ये देखो भाई बाबा का ही डब्बा इमेजिन करो ये मेरे फोन का ही डब्बा था यार मैंने बताऊं क्या इमोशन थे हाँ। मैंने कहा यार आगे मेरा ट्रिप आ रहा है तो मैं उसको सारा ब्लॉग करूंगा लेके जाऊंगा फोन यार हां राफे भाई तो तूने इसे क्या किया इमेजिन करो ये वाले इस फोन से क्या तूने बनाया यार इसे अब मेरी बात सुनने जिसने ये ना इसका फोन आ गया उसकी वैल्यू भूल गया ये कहता घटिया फोन है ये बड़ी बेस चीज है अब मेरी बात सुन जितने मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं वो इस फोन से बने हैं जो आपके हाथ में ठीक है तो उस फोन से अच्छा ब्लॉग नहीं बन सकता नहीं वो जूम नहीं होता अच्छा उससे क्या यार आपने कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है क्या कहा आपने जो अभी कहे समझ आ गई मुझे समझ आ गई है क्या हुआ यार इतने सैड क्यों हो गए आप डब्बे को देखिए इमेजिन अब आप मुझे कोई भी चीज लगे आपसे उम्मीद खत्म हो गई है यार देख मेरी बात सुन एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तू सोच के तेरे पास आईफोन आ गया ठीक है तो आ जाएगा इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आईफोन आ गया मेरे पास हाँ ओए हाँ थैंक यू सर हाँ थैंक यू सर ये ओवर कभी आपके एहसान नहीं भूल पाऊंगा आपने क्या यार इस पूरी जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा मैंने कहा पता नहीं यार तू सही ले आए होंगे मैंने कहा पता नहीं चॉकलेट के डब्बे आईफोन तो कहां से लेके आएंगे आईफोन 10 मिलियन रुपए का थोड़ी होंगे बेटा मेरे तो सब्सक्राइबर होने दे कितने कितने 5 लाख फिर मैं तुझे लेके दूंगा लेटेस्ट आईफोन नहीं हाँ कौन सा वाला जो उस टाइम लेटेस्ट होगा मैं खुद ही ले लूंगा ये भी रोस्ट किया इसने मुझे ये भी मुझे बात लगाई है इसने आप एक वीडियो बना दे उसमें आप इसको रोस्ट करेंगे बस ठीक है एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई आपसे जीरो एक्सपेक्टेशन अभी तो मैरू मिली है इसको मैरू मुझे मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं यार ये ऐसे प्रैंक के बाद खत्म हो जाती है एक्सपेक्टेशंस क्या बंदा रहता है बस बेटा तू डिजर्व ही नहीं करता वालिद साहब ऐसे प्रैंक करते हैं ये बेटा ये वालिद साहब ये जा रहा है फोन आपका इसकी जगह नोकिया 3310 3310 आप डिजर्व करते हैं ठीक है उससे भी पुराना मॉडल उससे वगैरह उससे भी पुराना मॉडल बेचारे के इमोशंस के साथ खेला हमने लेकिन अच्छा खेला है ना अब ये ऐसा करना नहीं चाहिए यकीन करें बड़ा ही मजा आया अभी भी ये बैठ के मुझे रोस्ट कर रहा है बहुत मजा आया बहुत ही मजा आया आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफी ढीले हैं ढीले बेटा मुझे टाइट भी करने आते हैं फिर कर दूं टाइट तभी होंगे जब आप जिम जाएंगे बेटा मैं जिम के बगैर ही टाइट कर लेता हूं नहीं एक्सपीरियंस है नहीं कर सकते करके दिखाए हैं करके दिखाए अभी व्लॉग चल रहा है बाद में तुम्हें करके दिखाता हूं ठीक है क्या मतलब क्या बात कर रही वो हम बाद में डिस्कस करते हैं तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह धक्का क्यों दिया मुझे धक्का क्यों देता है धक्का क्यों देता है पट्टा अल्लाह हाफिज़ और ऐसा प्रैंक ना कीजिएगा दोबारा